अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर फोर लेन के रास्ते से कब्रिस्तान को नहीं हटाया गया तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। दरअसल जीरो माइल और खगड़िया के बीच बन रहे फोर लेन के रास्ते में पपरौर के समीप एक कब्रिस्तान आ रहा है और इस बात को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के डीएम के साथ कुछ दिन पहले बैठक भी की थी। गिरिराज सिंह का सीधा सीधा आरोप है कि अगर सड़क मार्ग से मंदिर को हटाया जा सकता है तो कब्रिस्तान और मस्जिदों को क्यों नहीं हटाया जा सकता। वहीं दूसरी ओर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आज घर पर दारू पहुंचाने वाले गंगा जल पहुंचाकर अपने पाप धोने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पाप धुलने लायक नहीं है। आज बिहार में जंगल राज स्थापित हो चुका है और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हाल के दिनों में बेगूसराय ही नहीं बिहार के कई जिलों में बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं सामने आई है, लेकिन सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। दूसरी तरफ उनके द्वारा मीडिया को केंद्र के अधीन बताया जा रहा है, जबकि मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्रता है। डीएम के साथ आज मैं फिर इसका समीक्षा लूंगा कि क्या हुआ। सर्विस लेन एनएच को फोर लेन बनाया गया, एक तरफ टैंक लोड़ी जाम, तो उसके लिए मैंने टैंक लोड़ी एसोसिएशन के अध्यक्ष, सभी तेल कंपनी के अधिकारी और डीएमएसपी के साथ मीटिंग किया। वहीं दूसरे तरफ सर्विस लेन में पपरौर में जो देवना के पास में है वहां कब्रिस्तान रोड पर बना हुआ है, सरकारी जमीन है। अगर नहीं भी है तो सिमरिया से लेकर के खगड़िया तक में दर्जनों मंदिर को इधर से उधर किया गया। अगर दर्जनों मंदिर को किया जा सकता है तो कब्रिस्तान को क्यों नहीं? हमने कहा है कि जिला प्रशासन नहीं हो तो कब्रिस्तान को कहीं और जगह दे। अगर नहीं हुआ हटा तो मैं वहां धरना दूंगा, ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि एनएच के बनने का कोई औचित्य नहीं होगा। अगर सर्विस लेन ही नहीं चले और केवल एक जिद पर कि हम नहीं हटाएंगे, हम मंदिर को शिफ्ट कर दिए, ये कहां से चलेगा? कहीं 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 दुर्नीति अपना रहे हैं, ये सरकार की दुर्नीति है। यहां अगर कोई अल्पसंख्यक शब्द आ गया तो सरकार शिथिल हो जाता है, उसकी जुबान बंद हो जाती है। मंदिर होता है तो पूरा प्रशासन मिलकर के उसे हटवा देता है, लेकिन कब्रिस्तान को नहीं हटाएंगे। हटाना पड़ेगा चाहे जो कुछ भी हो, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। क्या मदरसा विद्यालय का भी सर्वे होना चाहिए बेगूसराय में भी इस तरह का विद्यालय? वो तो राज्य की सरकार इस काम को करेगी। राज्य की सरकार मदरसा का सर्वे एक अलग मुद्दा है कि उनको ज्ञान और विज्ञान इसी धरती के लाल दिनकर ने विज्ञान और ज्ञान की बात कहा था, तो ज्ञान और विज्ञान मदरसा में दोनों साथ मिले, इसके लिए सर्वे होना बिहार में भी जरूरी है।